ट्यूबरकुलोसिस एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा जनित एक क्रॉनिक निमोनिया है फेफड़े का, जो ज़्यादातर कॉमन है फेफड़े में। हालांकि ट्यूबरकुलोसिस शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित और इन्फेक्टेड कर सकता है, लेकिन सामान्यतया सबसे ज़्यादा फेफड़े में कॉमन है, बहुत ही प्रचलित है। फेफड़े में ही ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा पाई जाती है और वो संक्रामक भी है, वो दूसरे के फैलाती भी है। फेफड़े की टीबी से ही दूसरे लोगों को फैलती है, बोन टीबी या मसल या ब्रेन टीबी, उसकी वजह से दूसरे लोग प्रभावित या संक्रमित नहीं होते हैं। टीबी का मतलब ही है ज़्यादातर सामान्यतया सामान्य लोगों के लिए कि वो फेफड़े की टीबी। टीबी के लक्षण में पहले तो इसमें लंबे समय तक शाम को थकान या हल्का सा फीवर होता है और भूख कम हो जाती है, धीरे धीरे वजन भी कम हो जाता है। सामान्यतया करीब करीब सब मरीजों में 90% मरीजों में मिलता है। तीन लक्षण जो मैंने गिनाए हैं, ये सामान्यतया 70-90% लोगों में हर प्रकार के टीबी भी मिलता है। बाकी अन्य जो लक्षण हैं, सीने में दर्द होना, खांसी आना, सांस फूलना, मुंह से खून आना, कोई काम करने का मन न करना, सांस फूलना, ये सब अन्य लक्षणों में आते हैं अगर फेफड़े की टीबी है तो। मुख्यतः या कहिए कि केवल केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। जिस भी अंग में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होगा वहाँ टीबी हो सकता है। टीबी की इन्फेक्शन होना और टीबी की बीमारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्फेक्शन तो हमारे इंडिया में बोला जाता है कि 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो उसको 70-90% चांस है कि उसको टीबी का इन्फेक्शन हो चुका होगा। इन्फेक्शन होने का मतलब बीमारी होना ही नहीं है। किन्हीं भी कारणों से जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस समय ये ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है ये फ्लेयर अप होके बीमारी का रूप ले लेता है। जिस भी अंग में फ्लेयर अप होगा उस अंग की बीमारी का रूप लेगा। अगर फेफड़े का में टीबी का इन्फेक्शन होगा तो सीने में दर्द होगा, खांसी आएगी, सांस फूलेगी, खून बलगम निकलेगा, बलगम में खून भी आना संभव है, प्लूरिटिक पेन भी होना संभव है, और पेट भी फूलना, और एब्डामिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो कॉन्स्टिपेशन, अल्टर्ड बाउल हैबिट और अबसेक्शन भी हो जाता है। अब रही बात परीक्षण की, टीबी के परीक्षण में इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला अहम रोल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो स्पुटम फॉर एएफबी ए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में सबसे ज़्यादा कॉमन है। स्पुटम फॉर एएफबी, इसमें माइक्रोस्कोप से एएफबी बैक्टीरिया को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। आजकल सबसे नई टेक्नोलॉजी आई है पॉलीपीसीआर, इसको हमारे यहाँ जो लैब में जीनेक्स या सीबीनाट, ये दोनों जांचें हो रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये बिल्कुल फ्री में होती है, मुफ्त में हो रही है। ये जांच से पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं है। दूसरा, वो जो बैक्टीरिया है रिफाम्पसिन से सेंसिटिव है कि नहीं है, रेसिस्टेंट तो नहीं है, ये दोनों बातें सीबीनाट और जीनेक्स से पता चल जाती हैं। उसके बाद जो जांच होती है एक एक्सरे चेस्ट करवाते हैं पीएबी में। इसमें एक्सरे चेस्ट पीएबी में हम लोग करा के देखते हैं अगर
किसी को खांसी है 15 दिन से ज़्यादा है, उसको बलगम की जांच जानी होती है। बलगम की जांच में अगर ट्यूबरकुलोसिस निगेटिव आता है तो हम लोग उसको सामान्य इन्फेक्शन की तरह ट्रीट देते हैं। उसके 5 दिन बाद भी अगर उसकी खांसी या सिम्टम सबसाइड नहीं होते हैं तब हम उसका एक्सरे चेस्ट कराते हैं। एक्सरे चेस्ट में ये देखते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन या किसी तरह का कोई रोग के लक्षण राइट दाहिने फेफड़े या बाएं फेफड़े के ऊपरी लोब में तो नहीं है। अगर स्पुटम का परीक्षण निगेटिव है और एक्सरे में राइट या अपर लेफ्ट अपर में कोई इन्फेक्शन के फोकाई हैं तो हम लोग उसको ATT दे सकते हैं, उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ होने तक के लिए हम लोग देते हैं। उसके बाद अगर रिलीफ हो जाता है तो उसको 6 महीने तक ट्रीटमेंट उसको चलता रहता है। उसके बाद CBC कराते हैं, रैंडम ब्लड शुगर कराते हैं, LFT कराते हैं, KFT कराते हैं और सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी करा के देखते हैं और थायराइड का स्टेटस भी चेक करते हैं हम लोग। इतनी जांचें कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं। जब भी हम TB के इलाज की बात कर रहे हैं, मुख्यतः पल्मोनरी या फेफड़े की TB की बात हम लोग करते हैं। फेफड़े की TB का इलाज इस समय पूरे भारत भर में मुफ्त में उपलब्ध है। इसमें किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं, TB की जांच करवाएं और TB का इलाज मुफ्त में पाएं। इसमें मरीज को TB के इलाज के साथ साथ 500 रुपये महीना उसको खाने पीने का भत्ता भी मिलता है जब तक TB का इलाज चलता रहता है। TB के इलाज के लिए हर सरकारी अस्पताल में डॉट्स केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे TB का मरीज कोई जाएगा तो उसको अपना बैंक का पासबुक और एक आधार कार्ड लेके जाना होता है। इन दोनों चीज़ों के बाद वहाँ से TB का इलाज शुरू होता है जो कि कम से कम 6 महीने तक चलता है। 2 महीने के बाद का जो TB का ट्रीटमेंट होता है उसको कंटिन्यूएशन फेज बोलते हैं। कंटिन्यूएशन फेज में 3 तरह की दवाएं एक साथ दी जाती हैं। 3 तरह की दवाओं में रिफाम्पिसिन, INH और इथाम्ब्यूटाल होती हैं। ये 3 दवाएं पूरे 4 महीने लगातार चलती हैं फेफड़े की TB के लिए। इसमें 6 महीने दवा लेते हैं, उसके बाद मरीज को अगर आराम नहीं आ रहा है 5 महीने बाद उसको बलगम की जांच कराते हैं। अगर बलगम जांच फिर भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसका CB0 और LPA लीनियर प्रोब एसे कराया जाता है, एसेस किया जाता है कि TB की जो दवाएं चल रही हैं उनसे वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट तो नहीं हो गया है। अगर लीनियर प्रोब LPA और जीनेक्स या CB0 दोनों में पता चलता है कि रिफाम्पिसिन या अन्य कोई ड्रग से माइकोबैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो गया है तब हमें इस मरीज को MDR ट्रीटमेंट रिजिम पे शिफ्ट करना होता है जो कि 2 से 2.5 साल तक चलती है। उसमें ड्रग की सेंसिटिविटी के हिसाब से उस मरीज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। TB के मरीज के लिए घरेलू ट्रीटमेंट TB का कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक बात की सलाह ज़रूर देंगे, जब TB का मरीज का इलाज शुरू हो उसको तेल घी मसाला कम से कम खाना चाहिए।
बाजारू चीज़ें नहीं खाना चाहिए, उसको अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन का मतलब है बॉयल्ड अंडा ले सकता है, बॉयल्ड फिश ले सकता है, रोस्टेड फिश ले सकता है। दूसरी बात, अगर वो शाकाहारी है तो कतई ज़रूरी नहीं है कि वो मांसाहारी बने। शाकाहारी जो है उसको अंकुरित अनाज जैसे हैं दालें, अंकुरित दालें, सोयाबीन की दाल, मूंग की दाल प्रचुर मात्रा में खाए। दूसरी बात, और कच्चा पनीर, शुद्ध कच्चा पनीर भी प्रोटीन का अच्छा सप्लीमेंट होता है। इसको काला नमक और काली मिर्च के साथ मिला के खाते रहे तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो अंडा या फिश ही खाए, तभी वो उसको ताकत आएगी। तीसरी जो करना है उसको ठंडी और खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए। ठंडी चीज़ें खाने पे पेशेंट को खांसी या बुखार दवा लेने के बावजूद भी हो जाना संभव है। टीबी की रोकथाम के लिए एक बहुत आवश्यक है कि टीबी के मरीज का जहाँ भी हो उससे जब भी मिलें उसको बोलें कि मास्क मरीज भी लगाए और स्वयं भी मास्क जरूर लगाएं, और ज़्यादा समय तक जहाँ तक संभव हो साथ नहीं बैठें। तीसरी बात, हमेशा अपनी डाइट और अपने विचार, डाइट स्वस्थ रखें और विचार भी अपने स्वस्थ रखें। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, हमेशा सकारात्मक सोच बना के रखें।